खरगोन जिले की बिस्टान पुलिस ने आज भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। दो खेत से 121 अवैध गांजे के पौधे करीब 6,57,000 रुपए कीमत के जब्त किए हैं। खेत मालिक दोनों आरोपी फरार हैं। आरोपी ने खेत में मक्के की फसल के बीच में अवैध गांजे के पौधे लगा रखे थे। मुखबिर से सूचना पर एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर एसडीओपी भिकनगांव की अगुवाई में पुलिस ने बिस्टान थाने के तारा बावड़ी गांव में आरोपी कुशाल पिता केरिया भिलाला और नाहल सिंह पिता सुभान भिलाला के खेत में दबिश देते हुए कार्यवाही की है। दोनों आरोपी मौके से फिलहाल फरार हैं। पुलिस सरगर्मी से दोनों आरोपी की तलाश कर रही है। एएसपी तरुणन सिंह बघेल ने बताया कि एसपी साहब को मिली सूचना पर कार्यवाही कर खेत में मक्के की फसल के बीच 121 पौधे गांजे के जब्त किए हैं। पुलिस दोनों खेत मालिक की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि तारा बावड़ी थाना बिस्टान क्षेत्र अंतर्गत गांजे के पेड़ कुशल भिलाला के यहाँ लगे हुए हैं। इस सूचना को एसडीओपी भिकनगांव और टीआई बिस्टान को दिया गया और उन्होंने दोनों ने अपनी टीम के साथ वहाँ रेड किया तो 121 पेड़ गांजे के पेड़ मिले जिनकी कीमत 6,57,000 रुपये है, जब्त किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गया है। तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी कितने दो आरोपी है सर? आरोपी दो खेतों से दो आरोपी है। चुनाव को लेकर कर रहे हैं? ये पूरी कार्रवाई चुनाव को दृष्टि रखते हुए की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।